हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लाइव प्रोसेस का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हीटोट्रॉपिक, और हीटोट्रॉपिक के भी 3 टाइप्स होते हैं, तो उन सबको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ लाइव प्रोसेस समझ लिए थे, लाइव प्रोसेस क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस समझ लिया था। अगर वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो इसको समझते हैं, तो हमको न्यूट्रिशन समझना है, आज हम इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले हम पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है, इसको हम समझ लेंगे अच्छे से, फिर तो हमें ये न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हम सराउंडिंग से लेते हैं और उसको हम लोग अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं और वहां से हम एनर्जी को गेन करते हैं। फिर से समझते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जिनको हम अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, ईट करते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं और फिर उसमें से हमारी बॉडी एनर्जी को निकाल लेती है, एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है। न्यूट्रिएंट्स समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टेकिंग फ्रॉम सराउंडिंग एंड यूटिलाइजेस बाय अवर बॉडी, टेकिंग फ्रॉम सराउंडिंग एंड यूटिलाइज्ड बाय अवर बॉडी, ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये वर्ड आया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स, सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो हमें फूड मटेरियल मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमें एनिमल से मिलते हैं मिल्क, एग्स, मीट, ये सब होते हैं हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और प्लांट से मिलता है वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब हमारे होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं, सिंपल, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब कि सब्सटेंसेस या फिर फूड मटेरियल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, सब्सटेंस या फिर फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट एंड एनिमल बोथ इंक्लूड होते हैं, ये समझ में आया होगा। और प्लांट से हमें क्या मिलता है? मिल्क, सॉरी प्लांट से मिलते हैं हमें वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और एनिमल से मिलते हैं हमें मिल्क, एग्स, और वी कैन सी दैट, हाँ बस इतना काफी है, ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं। जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंसेस या फिर फूड मटेरियल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनको अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे तो आपको मतलब बेनिफिट रहेगा। जब रिवाइज करेंगे तो आपको एक बार में गो थ्रू करना होगा, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एग्जांपल CO2, वाटर, देख लीजिए। तो न्यूट्रिशन से समझने से पहले आपको न्यूट्रिएंट्स समझ जाता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो फूड मटेरियल जो हम सराउंडिंग से लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो हमें जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो जो कि हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं, जैसे कि वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझ में आ गया। अब समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन मतलब होता है वो प्रोसेस, वह प्रक्रिया या फिर वह प्रोसेस जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और उसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं, समझ में आया। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स,
मतलब कि हाँ फूड मटेरियल जिसको हमने यूज करना है, जिसको हमने खाना है, उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसके जरिए हमने फूड मटेरियल को इनटेक किया, उसको यूटिलाइज किया, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया, यूटिलाइज किया। और न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है फूड सब्सटेंसेस जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। ये प्रोसेस डिफाइन करता है, ये प्रोसेस को बताता है। और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे फूड सब्सटेंसेस होते हैं। तो न्यूट्रिशन अब तो क्लियर हो ही गया होगा। न्यूट्रिशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस जिसके जरिए हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। अब न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के होते हैं, दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला मोड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉपिक, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक ये तो हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने देखी पढ़ी रखा हुआ। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब कि ये ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद के ऊपर ही डिपेंड रहता है। उसको अपना खाना खुद बनाना है, खुद खाएगा, सॉरी खुद बनाएगा तो खुद खाएगा, यही होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन। तो मतलब जो वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं खुद के खाने के लिए, अगर वो बनाएंगे तो वो खाएंगे, इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिज्म हु यूज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक सॉरी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारे क्या होते हैं ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स। इसके एग्जांपल जैसे कि प्लांट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट आता है उस सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है, उस सनलाइट का यूज करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो फूड को बना लेता है। तो समझ इतना याद रखना, जो प्लांट के अंदर होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल, ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये क्या करता है, एनर्जी सनलाइट को ट्रैप करता है। इसका फंक्शन होता है सनलाइट को ट्रैप करना, इस अपने अंदर सनलाइट को ट्रैप्ड कर लेता है। उसके बाद उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ यूज करता है उसको, और वहां से अपना फूड बना लेता है। कौन से प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस। ये तो सिंपल सा था, आगे समझ में। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद बनाने वाले जो खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो ऑटोट्रॉप्स जिस न्यूट्रिशन का फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, प्लांट क्लोरोफिल के यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाता है। और इसके अंदर क्लोरोफिल सॉरी प्लांट वाले के अंदर इतना याद रखना, प्लांट जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से, H2O एंड CO2। जो प्लांट होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस H2O और CO2 का यूज करते हुए क्या बनाता है, फूड बनाता है। और फूड हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए किसी को, मतलब अच्छे से। अब आता है हीटोट्रॉपिक। हीटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसके अंदर हम लोग किसी और पे डिपेंड रहते हैं। हीटोट्रॉपिक
हीटरो मींस होता है अदर, हेट्रो मींस होता है अदर्स, और ट्रॉफी मींस तो होता है न्यूट्रिशन। तो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद खाना नहीं बना सकते अपना, वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ये हमारा होता है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, कौन होता है, हीटरोट्रॉफ्स दोज ऑर्गेनिज्म हु यूज हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हीटरोट्रॉफ समझ गए होंगे क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल एनिमल्स या फिर हम क्या होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते, हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। तो हीटरोट्रॉफिक समझ में आ गया होगा अच्छे से, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब किसी और पे डिपेंड होते हैं वो न्यूट्रिशन, और हीटरोट्रॉफ मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस या फिर यीस्ट, ये होते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब हीटरोट्रॉफिक के अंदर तीन टाइप होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक। पहला होता है हमारा सैप्रोट्रॉफिक, दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा होता है हमारा होलोजोइक। ये तीनों न्यूट्रिशन के हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ये तीन टाइप है, पहला सैप्रोट्रॉफिक या फिर इसको हम सैप्रोफाइटिक भी बोल सकते हैं, पैरासिटिक और होलोजोइक। इनको अभी हम समझते हैं, ये चीज देख लीजिए। चलिए पहला सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रो वर्ड का मतलब होता है रॉटन, रॉटन मींस सड़ा गला हुआ। तो सैप्रोट्रॉफिक के अंदर पहला देखते हैं हम लोग, सैप्रो मींस रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ गला हुआ। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड डीके प्लांट एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है, मतलब कि जैसे कोई एनिमल की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हमारे सैप्रोट्रॉफिक के अंदर आते हैं, जो डेड और डीके प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म या डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके प्लांट्स और या फिर एनिमल्स, इन्हें बोलते हैं दोज ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब वो ये वाला न्यूट्रिशन का टाइप है, वो टाइप जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म डेड और डीके प्लांट एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है उसे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और वो एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। इसका एग्जांपल मशरूम, हाँ मशरूम जो होता है डेड और डीके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जहां डेड डीके प्लांट्स होते हैं वहां पे मशरूम वहीं पे मिलता है। और इसके अंदर होता है कह रहे जैसे मशरूम जो होता है वो डेड और डीके प्लांट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको छोटा छोटा तोड़ लेता है और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये समझ गए होंगे अच्छे से सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एक एग्जांपल और होता है ब्रेड माउल्ड्स या फिर यीस्ट बोल सकते हैं, नहीं यीस्ट अलग होता है, ब्रेस्ट ब्रेड माउल्ड्स और या फिर यीस्ट, ये होता है मशरूम ब्रेड माउल्ड्स यीस्ट, ये होता है हमारा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अच्छे से आ गया होगा समझ में। इसके बाद आता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पैरा का मतलब होता है किसी और के ऊपर डिपेंड होना, मतलब किसी और के ऊपर अपना होस्ट बनाना। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर यही होता है, मतलब कि इसके अंदर ये होता है कि एक बॉडी होती है वो किसी और के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि हाँ, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना, राउंड वॉर्म्स हो जाना, तो वो हमारा पैरासिटिक के अंदर आता है। एक बॉडी होती है जो किसी और बॉडी के ऊपर डिपेंड होती है अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और बॉडी के ऊपर डिपेंड होती है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिस बॉडी पर वो डिपेंड होती है उस, वो होती है होस्ट बॉडी, और जो उसका यूज कर रहा होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। ये समझते हैं अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक बॉडी किसी और बॉडी के ऊपर डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए। जिस बॉडी के ऊपर डिपेंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग होस्ट बॉडी, और जो उस बॉडी में से यूज कर रहा होता है अपना खाना उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइट। ठीक, ये क्या होता है, पैरासाइट होस्ट बॉडी पे से अपने लिए खाना लेता रहता है, इसको हार्म करता रहता है एक टाइप से, इसमें से अपने लिए इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपने लिए निकाल रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही, तो वो इसके लिए हार्मफुल रहता है। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझे होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है प्लास्मोडियम, दूसरा राउंड वॉर्म, एक और होता है टेप वॉर्म, और एक इंपॉर्टेंट अमरबेल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैस कटा। अमरबेल एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी बेल है जो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, प्लांट के ऊपर एक बेल होती है और वो प्लांट में से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स निकालता रहता है। टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म जो हमें बता दिया, प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम को देखते हैं। जो प्लास्मोडियम होता है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से ही हमको मलेरिया होता है। जो मलेरिया डिजीज है वो किस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, प्लास्मोडियम की वजह से। ये प्लास्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसमें से हमारे में से न्यूट्रिएंट्स लेता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है, जिससे कि हमें क्या होता है मलेरिया डिजीज के हमें शिकार हो जाते हैं उसके। हम ये समझ में आ गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट वो होते हैं जो उसका यूज करते हैं। जैसे प्लास्मोडियम था, यहाँ पे राउंड वॉर्म था, अगर किसी बच्चे के अंदर राउंड वॉर्म है तो राउंड वॉर्म को बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। राउंड वॉर्म होता है पैरासाइट, और जो ह्यूमन होता है या फिर जिस चाइल्ड के अंदर है ह्यूमन को बोलेंगे होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी वो जिसमें से ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। अमरबेल, कैसकटा, ये इनके मैं फोटो लगा दूंगा, अमरबेल के लगा दूंगा। और एक और होता है इसका एग्जाम्पल लीच, एक ब्लैक कलर की होती है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो जाती है, ऐसे कहीं यहाँ पे कहीं लग जाती है, तो इसमें से क्या होता है ये ब्लड को सोख करती रहती है। इसको हम लोग कॉमन नेम इसके लिए ब्लड सकर भी बोलते हैं, इसको ब्लड सकर। ये पांच मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर। लीच, अमरबेल, प्लास्मोडियम, राउंड वॉर्म, इनके बारे में ये ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये बाकी की जो चार हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। इसके बाद आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक बॉडी दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे कि हम क्या होता है, हम ना किसी होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड है, हम क्या है, हमको कॉम्प्लेक्स फूड चाहिए, हमको फूड चाहिए, हम फूड को लेंगे, इंजेस्ट करेंगे, हम खाएंगे उसको, और इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा उसको ले लेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक बॉडी किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब ये होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजोइक के अंदर होलो का जो मतलब होता है वो होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब कि हम सॉलिड फूड के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब होलोजोइक को फॉलो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, जो मतलब हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, उसको हम लोग
यूटिलाइज कर लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो होलोजोइक अच्छे से समझ में आ गया होगा, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल फॉर देयर फूड। सिंपल, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी हो आपकी तो उसको कमेंट कर दीजिए। अगर इससे पहले वाला पार्ट देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पहले वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।